Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट पुश हो गई है। पहले फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म अब इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुकी है। फिल्म पोस्टपोन हो जाने से अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो है कॉमेडियन कपिल शर्मा का, जिनकी तो मानो लॉटरी लग चुकी है। कपिल शर्मा उठा रहे हैं दीपिका, शाहिद और रणवीर की फिल्म टलने का फायदा। वो कैसे? वेल, कपिल की आने वाली फिल्म फिरंगी का भी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फिल्म 24 नवंबर को सिनेमा घरों में लगनी थी, लेकिन अब ये फिल्म पद्मावती के पुराने रिलीज डेट यानी कि 1 दिसंबर को रिलीज होगी। वेल, इसके पीछे भी एक कारण बताया जा रहा है, वो ये कि फिरंगी को अब तक सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया और 23 नवंबर से पहले सर्टिफिकेट मिल पाना मुश्किल है। इसी के चलते मेकर्स ने ये तय किया है कि कपिल शर्मा का पीरियड ड्रामा हिस्टोरिकल ड्रामा पद्मावती को रिप्लेस करेगा। यानी कि पद्मावती की रिलीज टलने से खुश जरूर है कपिल शर्मा। क्या गजब की लॉटरी लग गई है कपिल को। एनीवे, फिरंगी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? बताएं हमें कमेंट्स करके।